Hi guys, welcome to Maneuver. In this video, we'll be talking about 15 days planning, 15 plus days remaining for the examination BBA, BMS, BCA and BBM CET for the year 2024. Okay, this is the first time they are conducting the CET for all these courses. Paper kaisa aayega, difficulty level kya hogi, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वी डोंट नो. ठीक है, बट हाँ, अभी तक दूसरे जो CET के एग्जाम हो रहे हैं उसके बेसिस पे वी हैव बिल्ड द वीडियो लेक्चर्स, वी हैव बिल्ड द मॉक टेस्ट, आपके स्टडी मटेरियल. तो आई एम होपिंग कि आपके पास ये सेट ऑफ बुक्स होगी फॉर द प्रिपरेशन. अगर नहीं है तो आप वेबसाइट से ले सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो बुक्स अगर आपको नहीं मिल रही तो ई बुक का भी एक्सेस ले सकते हो. ठीक है, इस बुक में से आपको 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं विदाउट फेल, 2-3 बार सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सिर्फ नंबर चेंज होंगे. प्लस वीडियो लेक्चर का एक्सेस अगर आपके पास है, वॉच ऑल द वीडियोस मिनिमम 2 टाइम्स सो दैट हर टाइप के क्वेश्चन कंसेप्ट ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए. ठीक है, सो ये वीडियो पहले तो शेयर करो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट एवरी वन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. फर्स्ट टाइम हो रहा है, आई डोंट वॉन्ट कि बच्चे पैनिक हो. बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी प्रेशर में, पैनिक में, 29 को एग्जाम है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है. जितने लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है पढ़ाई, फटाफट जाके फुल कोर्स का प्रोग्राम ले लो. ठीक है, सो लेट डिस्कस हाउ वी कैन प्रिपेयर नेक्स्ट 15 प्लस डेज. ऑलराइट, सो बिफोर आई स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हाई स्कूल टू बिजनेस स्कूल. ठीक है, सो 11th 12th, सो अभी 10th का रिजल्ट आने वाला है, 12th का भी रिजल्ट आने वाला है. सो 10th के बाद 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, प्लस अगर आपको IPM IIM के लिए जाना है, या NPAD NMIMS के लिए जाना है, या CET के एग्ज़ाम्स लिखने, या सिम्बोसिस क्राइस के एग्ज़ाम लिखने, देन यू कैन प्रिपेयर विथ अस 11th 12th प्लस योर एंट्रेंस प्रिपरेशन विच विल बी देयर एट Maneuver क्लासरूम ओनली. हाँ, तो आपको सेंटर विजिट करना पड़ेगा. अगर आप मुंबई बेस्ड हो तो बोरीली, वसई, दादर, थाने, अंधेरी यू कैन विजिट. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड्स. जितने लोग अभी 10th का रिजल्ट आने वाला है, वेट कर रहे हैं, और उसके बाद करियर में क्या करना है, या 11th के बाद क्या करना है, 12th के बाद करना है, यू कैन विजिट आवर सेंटर, टीम विल गाइड यू. ओके, ये आपके एकेडमिक प्लस एंट्रेंस की प्रिपरेशन हम लोग साइमल्टेनियसली करेंगे. ठीक है, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको 10th के बाद जो भी कॉलेज में जाना है, उसके बाद आपको आपके 11th 12th के प्रिपरेशन प्लस एंट्रेंस की प्रिपरेशन Maneuver में हो जाएगी, अलग से कोई कोचिंग आपको नहीं लेनी. एंड यू हैव टू गेट द अपडेट नोटिफिकेशन, बाकी क्वेश्चन आर आपको मिलते रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप अलग से, काइंडली ज्वाइन द व्हाट्सअप ग्रुप, और आपका जो चैनल है यूट्यूब चैनल. ठीक है, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो इट्स हाई टाइम टू थिंक एज अ वॉरियर. ठीक है, 15 प्लस डेज है, अच्छे से प्लानिंग लेंगे, हर एक एरिया पे काम करेंगे, और स्कोर के कैसे आएगा उसके बारे में सोचना है. डोंट सिट आइडली एंड वरी अबाउट दी एग्जाम की, यार 15 प्लस डेज में कैसे पढ़ूंगा, इतने सारे सेक्शन है, इतना सिलेबस है, क्या सिलेबस है, एक तो वो भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों को वो भी नहीं पता, बिकॉज सीडी सेल ने जो दिया हुआ है वो डिटेल में सिलेबस नहीं दिया हुआ है. तो मैं आपको इस वीडियो में आगे टाइम टेबल देने वाला हूँ, उसमें आप अच्छे से देख लेना. ठीक है, सो इट्स टाइम टू चार्ज योर बैटरी, है ना. जितने लोग डीमोटिवेट हो, या समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रिपेयर करना, या स्कोर नहीं आ रहा है आपका फुल लेंथ मॉक में, तो चार्ज और बैटरी. 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट वी हैव लॉन्च, स्टार्ट राइटिंग 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस या ऑल्टरनेट. ठीक है, ऑल्टरनेट लिख रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आपका एग्जाम के पहले आपके 10 के 10 मॉक खत्म होने चाहिए. सो इट्स ओके टू बी द लास्ट मूवर, बट बी द फास्ट मूवर. लास्ट में हमने पढ़ाई चालू की है, ठीक है, बट फटाफट सारी चीज़ें खत्म करो. ओके, सो या फर्दर टाइम टेबल विल बी बेस्ड ऑन द फुल कोर्स. फुल कोर्स के अंदर आपके वीडियो है, हैंडआउट्स है, मॉक टेस्ट है. ठीक है, सो फुल कोर्स अगर आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है तो ये सारे वीडियो जो भी दिए हुए 2 बार देख के खत्म करो. ठीक है, आगे मैं इसके बारे में गाइड भी कर दूंगा. और अगर आपकी पढ़ाई हो गई है, कोई सेक्शन वीक है, कंप्यूटर का सेक्शन, जीके का सेक्शन, लॉजिक का सेक्शन, इंग्लिश का सेक्शन, सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का ही है, तो आप सेक्शनल कोर्स देख सकते हो. और अगर सिर्फ मॉक लेना है आपको तो टॉपिक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक, प्लस जीके को लेके 1500 क्वेश्चन का मॉक हमने लॉन्च किया, जहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम वाइज है, तो ये ज्वाइन कर लेना. ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए बुक्स, ई बुक्स यू कैन चेक. ठीक है, सबका डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, या तो फिर आप Maneuver.com/BBA entrance पे यू कैन विजिट. सो टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट दोज आर प्रिपेयरिंग एज ऑफ नाउ, ऑल दो नोटिफिकेशन बहुत लास्ट में आया हुआ है, बट काफ़ी लोगों ने पढ़ाई कर ली है. Maneuver में भी बहुत सारे बच्चों ने क्लासरूम एंड लाइव क्लास ज्वाइन किया होता, तो काफ़ी हद तक हमने सिलेबस खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म ही हो गया आपका. अभी आपको प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक लिखना है, ये सारी चीज़ें करनी है. जितने लोगों की पढ़ाई हो गई है, अगर स्कोर अच्छा कर रहे हो तो गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना. अगर स्कोर कम आ रहा है तो डीमोटिवेट नहीं होना, स्कोर अच्छा हो रहा है तो ठीक है. सो अगर आपका हर मॉक में अगर स्कोर अच्छा आ रहा है, मतलब अपनी पढ़ाई अच्छी चल रही है, बट अगर स्कोर 15-20 मार्क्स से जम कर रहा है, 30 मार्क्स से जम कर रहा है, तो भाई किसी में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, किसी में नीचे जा रहे हो,
तो प्रॉब्लम है। रैंडम प्रिपरेशन जितने लोग कर रहे हो, बिग मिस्टेक भाई, अभी टाइम ही नहीं है रैंडम प्रिपरेशन करने का। जस्ट पढ़ाई जितने लोग ने चालू की है उनको मेरा एडवाइस है, वीडियो देखो दो बार, प्रैक्टिस करो, बुक्स ई बुक्स जो भी है, 15-20 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन एंड मॉक लिखो, इसके साथ टॉपिक टेस्ट भी लिखते जाना, सो दैट पर टॉपिक से 15-20 क्वेश्चन आपके और प्रैक्टिस हो जाएंगे। ईजी एंड मॉडरेट, यही दो टेस्ट लिखना, ईजी मॉडरेट। डिफिकल्ट वाले भी टॉपिक टेस्ट है उसको मत करना, ठीक है, बाकी 10 फुल लेंथ मॉक, ठीक है। सो नेक्स्ट 15 डेज हमें अपने आप को चैनलाइज करना है, 7-8 घंटे पढ़ने, 100+ आवर्स इनफैक्ट अपन डिवोट कर रहे हैं, 100 से 120+ आवर्स फॉर आर प्रिपरेशन। प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस द क्वेश्चन एंड रिवाइज इट, ये काम अपने को करना है। सो दिस इज व्हाट द पैटर्न ऑफ द सीईटी, इंग्लिश 40, रीजनिंग इसके अंदर वर्बल, ट्रेडिशनल, क्रिटिकल और आपका एनालिटिकल प्लस अरिथमेटिक, 30 क्वेश्चन इसके हैं। क्वेश्चन राइट हुआ तो 1-1 मार्क्स मिलेंगे, 15 क्वेश्चन जीके, 15 कंप्यूटर, तो पूरे 100 क्वेश्चन हैं जो आपके 100 मार्क्स के लिए आएंगे। 90 मिनट्स में कवर करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 1 क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे एंड आपको अकॉर्डिंगली जो भी राइट है उसको मार्क करना है। कट ऑफ वाइज इफ़ यू आस्क मी, गुड स्कोर ऑलवेज आई सजेस्ट 3/4 इज द गुड स्कोर, है ना, मतलब 75%, तो रफली आपका 75-80+ मार्क्स जा रहा है। लोग 90+ भी मारेंगे, बहुत सारे लोग ने अच्छा प्रिपरेशन किया है, ठीक है, जितना अच्छा स्कोर आएगा उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर, सिंपल है, ठीक है। और एग्ज़ाम आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, मराठी में नहीं होगा, हिंदी में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने लिखा हुआ है। इट विल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड, मतलब आपका सेंटर आएगा, आपको सेंटर पर जाकर के एग्ज़ाम लिखना है कंप्यूटर पर, ओके। तो जितने लोग मैनुअल का मॉक लिख रहे हैं उनको मेरा एडवाइस यही है, कंप्यूटर पर या तो फिर आपके लैपटॉप पर मॉक लिखो, मोबाइल पर मत लिखो, बिकॉज एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पर होने वाला है, ओके। और राइट, नेक्स्ट इज मस्ट डू थिंग्स ऑन डेली बेसिस, 1 से 2 सेट आपको अरेंजमेंट के सॉल्व करने, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपकी मेनूअर की बुकलेट है, इसके अंदर आपका सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको ख़त्म करना है। 30 से 40 क्वेश्चन कर लेना, 2 से 3 बार कर लेना, ठीक है, वीडियो भी देख लो मेरा, उसमें अंदर मैंने बताया कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और आपका 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रेशन, अगेन आपके इंग्लिश वाली बुक में या ई बुक जो भी आपके पास है वहाँ से प्रैक्टिस कर डालो। वर्ड पावर मेडिजी के वीडियो देख लेना भाई, वो कैब वाले क्वेश्चन बनेंगे, बिकॉज 40 क्वेश्चन इंग्लिश से आ रहे हैं, तो आपको एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, फिलअप, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल ही आने वाले हैं। 1 घंटा स्टैटिक, इसमें क्या करना है, पहले आपको वीडियो देखना है, फिर हैंडआउट्स देखना है, 1500 क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, मॉक में जाके ज्वाइन कर लेना, राइट दिस मॉक। 1 घंटा करंट अफेयर्स करना है, मतलब आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ये 6 महीने तक का करंट अफेयर्स के वीडियो देख के ख़त्म करो। अगर टाइम मिला तो अप्रैल का भी कवर कर लेना। 30 मिनट्स आपको डेली कंप्यूटर बेसिक के वीडियो देखने हैं, पूरे वीडियो आपके मेनूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस, ठीक है। और इसके बाद आपका मॉक, दैट्स ऑल, इसके लिए अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर के वीडियोस देख लो, फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे और मॉक लिखोगे उसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रिपेयर, प्रैक्टिस, रिवाइज, 1 मॉक आपको डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डे बेसिस पे लिखना है। एक्यूरेसी फर्स्ट, स्पीड लास्ट, पहले क्वेश्चन राइट होना जरूरी है, अगर राइट हो रहा है तो फिर हम अपनी स्पीड पे काम करेंगे, ये नेक्स्ट 15 डेज का आपका टास्क है, ओके। और राइट, सो दिस इज व्हाट द टाइम टेबल, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, फर्स्ट 5 डेज टाइम टेबल, लॉजिकल रीजनिंग, नंबर लेटर सीरीज, मैथ्स से आपका देखो अरिथमेटिक है आपके मैथ्स के अंदर, तो आपको स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन के वीडियोज देखना है, अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिक, परसेंटेज आपका मैथ्स, वर्ब, एडवर्ब कंजंक्शन, वैसे ही एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, रिडक्शन एंड आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन। फर्स्ट वीक जो है, फर्स्ट 5 डेज हमने ग्रामर पे दिया हुआ है इंग्लिश में, इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, एवरेज, मैथ्स के सेक्शन से अरिथमेटिक का जो पार्ट है, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ठीक है, ये आपका लॉजिक का पार्ट हो गया। सारे वीडियो मेनूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, काइंडली वॉच ऑल द वीडियोस मिनिमम 2 टाइम्स, एंड जो वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे उसको आप खुद भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कंसेप्ट और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एक तो वीडियो वाले क्वेश्चन प्लस बुक्स, ई बुक्स जो भी आपके पास है, 20-25 क्वेश्चन। अच्छा, मैथ्स के केस में सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन करना, दैट्स ऑल, 10-15 क्वेश्चन पर टॉपिक प्रैक्टिस एंड वीडियो वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट डे 6, 7, 8, 9, 10 लॉजिक से ब्लड रिलेशन, मैथ्स से आपका अगेन मिक्सर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एजेस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अरिथमेटिक आपका खत्म हो गया। इंग्लिश में idioms एंड phrases, fill up, स्पेस spell, पैराग्राफ जम्बल, रीडिंग comprehension, ऑडी हम RC सॉल्व करें तो ये टाइम आप कहीं और डिवोट कर सकते हो, रैंकिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, देखो मैंने रेड में किया इनपुट आउटपुट, लास्ट में टाइम मिलेगा तो देख लेना कैसे सॉल्व होता है इजी वाले क्वेश्चन, ठीक है।
आएगा कि नहीं आएगा वी डोंट नो, बट हाँ देख के ले लेना। सारे वीडियो अगेन मेनूवर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। एंड लास्टली डे 11, 12, 13, 14, 15, क्लॉक एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, देखो क्यूब डाइस एंड वेन डायग्राम मैंने अगेन लास्ट में रखा। टाइम मिलता है तो आप मेक श्योर वीडियो इसके देख लेना, ठीक है। बाकी आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, इन्फ्लुएंस, कॉज एंड इफेक्ट, इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम, एनालॉजी वाले क्वेश्चन एंड रिवीजन, ये आपका 15 दिन का प्लानर दिया है मैंने प्रॉपर टाइम टेबल के साथ। प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, और जो बच्चा अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है अपनी पढ़ाई उसको बोलो ये टाइम टेबल फॉलो करें, या आपने जस्ट थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट किया आप ये टाइम टेबल फॉलो करो। हाँ, मॉक आप लिखते जाना, ये बिल्कुल मत सोचना कि पूरी पढ़ाई हो जाएगी तब मैं मॉक लिखूंगा, बहुत बड़ी गलती करोगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। मॉक में इनिशियली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 3-4 मॉक में आपका स्कोर ऊपर नीचे होगा, बट ग्रेजुअली वो अच्छा स्कोर बनना चालू होगा और आपको आगे की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा मॉक। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ मॉक तो लिखना ही लिखना अपने को, ठीक है। सो आपका जो फुल कोर्स का प्रोग्राम है उसके अंदर आपके जीके के 10 घंटे में वीडियोस हो जाएंगे, आपका इंग्लिश 9 आवर्स, अरिथमेटिक कौन 10 आवर्स, लॉजिक वर्बल 15 घंटे, कंप्यूटर 4 घंटे, 50 घंटे के अंदर आपके पूरे वीडियो आप दो बार, मतलब 100 घंटे लगाओ, दो बार पूरे वीडियो देख के खत्म करो। जो टॉपिक आपका टफ जा रहा है उसको आप वापस देख के इम्प्रोवाइज करो। अलॉन्ग विद दी प्रिपरेशन आप थोड़ा चाय कॉफ़ी लेते रहो, फ्रेश रहो, टू अवॉइड दी हंगर स्नैक्स वगैरह, एंड टू कीप योरसेल्फ फ्रेश, म्यूजिक वगैरह देखना है, कोई वीडियो देखना है वो आप कंटिन्यू रखो, बट एकदम प्रेशर में बर्डन लेकर के पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ा चिल होके प्रिपरेशन करो, हो जाएगा, ओके। ऑलराइट, टू ज्वाइन दी प्रोग्राम मेनूवर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, गो टू दी बाय ऑनलाइन एंड बीबी एंट्रेंस, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे तो फुल कोर्स प्रोग्राम के अंदर लास्ट पे जाना है आपको, दिस इज़ व्हाट द प्रोग्राम आई एम टॉकिंग अबाउट, इसके अंदर आपके वीडियोज है, हैंड आउट्स हैं, मॉक है, ठीक है। इसके अंदर आपके अरिथमेटिक के पूरे वीडियोज़ हैं, ठीक है, उसके बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग के पूरे वीडियोज़ हैं, वैसे ही आपका इंग्लिश के पूरे वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग यू हैव टू फिनिश विदाउट फेल। वर्ड पावर मेडिजी के वीडियो 50 के ऊपर वीडियोज़ हैं, ख़त्म करो इसको। कंप्यूटर बेसिक के पूरे वीडियोज़ हैं जो आपको कवर करना है, ठीक है। बाकी स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर्स, सो ज्वाइन दिस प्रोग्राम, इसके अंदर आपको मॉक भी मिल जाएगा। यू गो टू द प्रोग्राम हाईलाइट्स, तो यहाँ पे आपके 10 मॉक है। इसके साथ साथ ई बुक्स ले लेना, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा प्रैक्टिस के लिए। यू कैन टेक द एक्सेस ऑफ ई बुक्स दिस प्रोग्राम, ठीक है। और अगर दूसरे भी एग्जाम लिख रहे हो तो आप ये ई बुक्स ले सकते हो, ओके। इफ़ यू विल गो बैक, अगर मॉक लिखना है आपको तो मॉक का प्रोग्राम के लिए एक तो टॉपिक टेस्ट तो है ही, जो आपका ये प्रोग्राम है टॉपिक टेस्ट, इसके साथ साथ आपका ये मॉक है जिसके अंदर 10 मॉक है फुल लेंथ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई सेक्शन वीक है आपका, इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक, जीके, तो आप ये प्रोग्राम देख सकते हो, सेक्शनल प्रोग्राम। सबका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। Alright, so that's all guys in this video. Any kind of a doubt and question you can write in the comment section. I'll be happy to reply you. बहुत सारे वीडियो CD को लेके आने वाले हैं. Stay connected on the channel. Channel को subscribe करके रखो. ये वीडियो share करो अपने सारे friend लोग को. So that every student should be benefited from this video. Prepare well. All the best. Thank you.